बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न यूनिट नंबर 3 ऑफ क्लास 1 इंग्लिश, कोबलर कोबलर। बिफोर स्टार्टिंग द लर्निंग प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स, आई वुड से दैट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन पेज नंबर 19 वी हैव कोबलर कोबलर पोएम नेम्स एंड लर्निंग आउटकम्स, राइट। आफ्टर दिस पेज, पेज नंबर 20, वी हैव गेटिंग स्टार्टेड। इन गेटिंग स्टार्टेड वी हैव लुक एट द गिवन पिक्चर्स। क्या कह रहे हैं कि लुक माने होता है देखना, गिवन माने दी हुई पिक्चर्स, तस्वीरें। लुक एट द गिवन पिक्चर्स यानी कि इन पिक्चर्स की तरफ देखें। कौन सी पिक्चर्स के तरफ देखना है, ये जो इस पेज नंबर 20 पर आपको दी हुई हैं, इन पिक्चर्स के बारे में बात की जा रही है कि इन पिक्चर्स के बारे में देखें। देन कह रहे हैं कि कैन यू टेल हु दीज पीपल्स आर, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कौन लोग हैं और इनके बारे में जो है सवाल पूछा गया उसको आंसर करते हैं। पहली पिक्चर देखें, पहली पिक्चर में जो है खेत दिखाए गए हैं और खेत में जो है एक आदमी है जो कि ट्रैक्टर से हल चला रहे हैं। तो खेतों में हल कौन चलाता है, खेतों में हल किसान चलाता है, फार्मर। तो ठीक है, इस पिक्चर में जो किसको दिखाया गया है, इस पिक्चर में फार्मर को दिखाया गया है जो कि खेतों में हल चला रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पिक्चर में जो देखें, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर को दिखाया गया है और डॉक्टर क्या काम करते हैं, डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट्स का जो है ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, जो मरीजों का इलाज करते हैं। देन इस पिक्चर में देखें, ये एक पुलिसमैन है, ठीक है, और ये रोड पे खड़े हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक पुलिसमैन है। देन इस पिक्चर में जो है एक उस्तानी साहिबा, एक टीचर को जो है वो दिखाया गया है। देखें इनके पीछे जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, तो जिससे हमें पता चला कि ये एक टीचर हैं, राइट। तो जो इनका क्वेश्चन था, लुक एट द गिवन पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखें, कैन यू टेल हु दीज पीपल आर, तो हमने इसको आंसर कर दिया है। इस पिक्चर को हमने देखा और फिर हमने बताया है कि इन पिक्चर्स में कौन कौन लोग जो है वो दिखाए जा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक, लेट्स टॉक मैंने यानी कि आओ बात करें। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इन क्वेश्चन के आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु हेल्प्स यू इन योर स्टडीज़। क्या कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखते हुए, ठीक है, इन तस्वीरों को देखते हुए आपने बताना है कि हु हेल्प्स यू इन योर स्टडीज़, आपकी कौन मदद करता है। हेल्प माने होता है मदद करना, आपकी कौन मदद करता है आपकी स्टडीज़ में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, माई टीचर हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़, मेरी टीचर जो हैं वो मेरी हेल्प करती हैं स्टडीज़ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर डॉक्टर डू, डॉक्टर क्या काम करता है, ठीक है, डॉक्टर क्या काम करता है। तो डॉक्टर इसका आंसर होगा, आर डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स, डॉक्टर क्या काम करता है, डॉक्टर जो है मरीजों का इलाज करता है, राइट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर डू यू सी आ पुलिसमैन, के आप पुलिसमैन को कहाँ देखते हो, ठीक है। तो यहाँ इस पिक्चर में तो हमें जो है वो पुलिसमैन जो हैं वो एक रोड पे, एक सड़क पे नज़र आ रहे हैं, तो इसका आंसर हम इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि पुलिसमैन जो हैं वो थाने में भी होते हैं, तो इसका आंसर होगा, आई सी द पुलिसमैन इन पुलिस स्टेशन एंड ऑन द रोड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक, थिंक माने होता है सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, थिंक एंड टेल, टेल माने होता है बताना, थिंक माने होता है सोचना, टेल माने बताना। थिंक एंड टेल द नेम्स ऑफ एनी टू प्रोफेशंस, प्रोफेशंस यानी कि पेशे, ठीक है, जो आप काम करते हैं वो आपका पेशा होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि थिंक, सोचें एंड टेल, और बताएं नेम्स ऑफ एनी टू प्रोफेशंस, किसी दो प्रोफेशंस के आप नाम बताएं। प्रोफेशन क्या होता है, जैसे मैं टीच करती हूँ तो टीचिंग जो है मेरा प्रोफेशन है, इसी तरह डॉक्टर जो है इलाज करता है तो वो उसका प्रोफेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो प्रोफेशंस के नाम हमें बताने हैं, तो हम एक बता देते हैं फार्मर एंड सेकंड हम बता देते हैं कोबलर। नाउ इन पेज नंबर 21 वी हैव पोएम कोबलर कोबलर, कोबलर कोबलर। पहले हम इसको जो है रीडिंग करते हैं, देन हम इसके प्री रीडिंग के क्वेश्चन देख लेंगे, वर्ड रीडिंग के देख लेंगे और पोस्ट रीडिंग के देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम जो है वो इसकी रीडिंग कर लेते हैं। कोबलर कहते हैं मोची को। कोबलर कोबलर, कोबलर कोबलर मेंड माई शूज, गेट इट डन बाई 2:30, 2:30 इज मच टू लेट, गेट इट डन बाई 8:30, स्टिच इट
up and stitch it down and I shall give you half a crown. ठीक है, तो ये हमने पोएम पढ़ी, देन हम इसकी पोएम को पढ़ लेते हैं विद ट्रांसलेशन. कोबलर, कोबलर, कोबलर किसे कहते हैं, मोची को कहते हैं. मेंड माय शूज, मेंड माने होता है मुरम्मत करना, ठीक है. तो क्या कह रहे हैं, कोबलर कोबलर मेंड माय शूज, मोची से कह रहे हैं कि मेरे जूते की मुरम्मत कर दें, ठीक है. गेट इट डन बाय 2:30, इसे जो है तैयार कर दीजिएगा. कितने बजे तक तैयार कर दीजिएगा, 2:30 पर, कह रहे हैं कि 2:30 पर जो है इसे तैयार कर दीजिएगा, ठीक है. फिर ये कह रहे हैं 2:30 इज मच टू लेट, कह रहे हैं कि 2:30 तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है. गेट इट डन बाय 8:30, कह रहे हैं कि इसको 8:30 पर रेडी कर दें, ठीक है. स्टिच माने होता है सीना, स्टिच इट अप, अप माने होता है ऊपर, स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन, इसे ऊपर से भी सी दीजिएगा और नीचे से भी, ठीक है. अपने जूते के बारे में बात कर रहा है कि इसे ऊपर से भी सी दें और नीचे से भी. एंड आई शेल गिव यू एंड आई शेल गिव यू हाफ अ क्राउन, और मैं आपको हाफ क्राउन दूंगा. हाफ क्राउन पुराने ज़माने की करेंसी का नाम था. कह रहे हैं कि आप मेरे जूते को ऊपर से भी सी दें और नीचे से भी सी दें तो मैं आपको हाफ क्राउन दूंगा, ठीक है. अब हम पीरियड रीडिंग के क्वेश्चंस देख रहे हैं. पीरियड रीडिंग के क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट. कह रहे हैं कि इस पिक्चर को देखें और बताएं कि ये पोएम किसके बारे में है. तो ये देखें, एक शेल्फ बना हुआ है, ठीक है, जिसमें जूते रखे हुए हैं, और ये एक अंकल हैं जिनके हाथ में हैमर है और वो एक जूते की मुरम्मत कर रहे हैं, और एक बच्चा है जिसके हाथ में शू है और वो खड़े हैं अपने जूते को बनवाने के लिए, ठीक है. तो ये पूरी पिक्चर को देखकर हमें साफ पता चल गया कि ये जो पोएम है, जो एक ये एक पोएम जो है वो एक कोबलर के बारे में है. तो इसका आंसर होगा, दिस पोएम इज़ अबाउट अ कोबलर. क्या आंसर होगा इसका, दिस पोएम इज़ अबाउट अ कोबलर, यानी कि ये पोएम जो है वो कोबलर के बारे में है, ठीक है. देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ कोबलर इन योर टाउन. टाउन कहते हैं कस्बे को. तो क्या क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी अपने कस्बे में जो है वो कोबलर को देखा है, मोची को देखा है. तो इसका आंसर होगा, येस आई हैव सीन अ कोबलर. क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा येस आई हैव सीन अ कोबलर, ठीक है. तो हम मैंने जो है वो कोबलर को देखा है. वर्ल्ड रीडिंग में हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ल्ड रीडिंग में है, आई वेंट टू द कोबलर टू मेंड माई. यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, शू आएगा, ठीक है. कह रहे हैं आई वेंट टू द कोबलर, मैं कोबलर के पास गया टू मेंड माई शू, अपना शूज़ बनवाने गया या फिर गई, ठीक है. मैं अपना शूज़ बनवाने कोबलर के पास गया या फिर गई. देन हमारे पास पोस्ट रीडिंग में क्वेश्चन है, पोस्ट रीडिंग में हमारे पास क्वेश्चन है, वाट इज़ द जॉब ऑफ अ कोबलर, के जोबलर का क्या काम होता है, ठीक है. जोबलर की क्या जॉब होती है, तो जोबलर इसका कोबलर का क्या काम होता है, द जॉब ऑफ अ कोबलर इज टू मेंड अ शू, ठीक है. क्या काम होता है कोबलर का, कोबलर का ये काम होता है कि वो जूतों की मुरम्मत करता है. इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव यू एवर गोन टू अ कोबलर टू गेट योर शूज मेंडेड. क्या आप कभी कोबलर के पास गए हैं अपने जूते बनवाने, ठीक है. पूछ रहे हैं कि क्या आप कभी गए हैं कोबलर के पास अपने जूते बनवाने. तो इसका आंसर होगा, येस आई हैव गोन टू अ कोबलर टू गेट माई शूज मेंडेड. लास्ट क्वेश्चन है इसका पोस्ट रीडिंग का, डिड यू लाइक द पोएम कोबलर कोबलर. क्या आपको पसंद है पोएम, क्या आपने आपको पसंद आई पोएम कोबलर कोबलर. तो इसका आंसर होगा, येस आई लाइक द पोएम कोबलर कोबलर वेरी मच, ठीक है. जब भी हम किसी चीज़ को लाइक करते हैं तो हम उसका आंसर इस तरह से करते हैं, येस आई लाइक द पोएम कोबलर कोबलर वेरी मच. तो इस तरह से हमने यूनिट नंबर 3 की कोबलर कोबलर पोएम की जो है हमने रीडिंग कर ली है विद ट्रांसलेशन. इसके हमने गेटिंग स्टार्टेड के क्वेश्चन देख लिए हैं, पीरियड रीडिंग के क्वेश्चंस देख लिए हैं और पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन देख लिए हैं. इन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट. तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा. Goodbye, take care till the next lesson.